नमस्कार दोस्तों, भारत ये वो देश है जहाँ एक तरफ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है तो दूसरी तरफ महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जाता है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को शर्मसार करती है। क्या भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने इसी दिन के लिए भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान दिया था? बात दरअसल मणिपुर में दो कुकी समुदाय के महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना 4 मई का है और ये दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से हैं। जो इस महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा रहे हैं वो सभी मैतेई समुदाय के हैं। मायने ये नहीं रखती कि घटना कितने दिन पहले हुई है, मायने ये रखती है कि इस तरह की यातनाएं महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच इतनी भयानक हिंसा क्यों हो रही है, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी छोटी सी हेल्प हमें काफ़ी मोटिवेट रखती है। आपको बता दें, महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने की घटना मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोप की जिले में हुई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सैकड़ों भीड़ ने हेल्पलेस महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहा है। महिलाओं के साथ हुई यह घटना इतनी शर्मनाक है कि इस घटना की खुलकर एक्सप्लेन करना भी महिलाओं के लिए अपमानजनक वाली बात होगी। मणिपुर में 3 मई से ही इम्फाल घाटी में केंद्रित बहुसंख्यक मैतेई और पहाड़ियों में बसने वाले कुकी समुदाय के बीच काफी क्लैश हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह महिलाओं के साथ यातनाएं हुआ वहां से महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है। ये वही पुलिस स्टेशन है जिसे 2020 में बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री के रूप में सिलेक्ट किया गया था। इतने नजदीक पुलिस स्टेशन होने के बाद भी महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो इस बात से समझा जा सकता है कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। इस घटना से भी शर्मनाक मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केस है, आप एक को पकड़ कर क्यों बैठ गए हैं। जिस मुख्यमंत्री को राज्य का शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है उनका इस तरह का बयान राज्य एवं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब इस 2 महीने में कितने ही महिलाओं के साथ यातनाएं की गई होगी। मणिपुर हिंसा को लेकर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार स्थिति पर कंट्रोल कर पा रही है। वहीं 20 जुलाई को पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर मामले में टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कदम उठाने को कहा। इस घटना से आहत होकर बॉलीवुड के कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दोस्तों, महिलाएं चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वे देश की गौरव होती है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो गाइज, मणिपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन और राजनीतिक पर सवाल उठ रहे हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।